हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, ये हफ्ते दो मूवी रिलीज होने जा रही है और दोनों मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं चुप, दुलकर सलमान और सनी देओल की चुप मूवी और प्रदीप खड़का एंड क्रिस्टीना मैम की प्रेम गीत 3। जी हाँ दोस्तों, दोनों मूवी का एडवांस बुकिंग ओपन हो गया। चुप की बात करें तो चुप रात को ही ओपन हो गया था, लेकिन आज सुबह जैसे ही आंखें मेरी खुली उसके बाद देखा बुक माई शॉप पे, तो भाई प्रेम गीत 3 का भी एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको पता ही है कि ये मूवी दो लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, एक नेपाल में और एक हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हिंदी में इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है। लेकिन हम मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई शहर में इसके 100 बहुत कम दिए गए हैं दोस्तों। फिलहाल अभी ज़्यादा 100 नहीं दिया गया है, ना ही ज़्यादा स्क्रीन मिला है। लेकिन अगर हम चुप की बात करें तो चुप को अच्छी खासी स्क्रीन मिल चुकी है दोस्तों, अभी कुछ स्क्रीन मिलना बाकी है। अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों मात्र 1 प्राइस। जी हाँ दोस्तों, जी 75 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 75 रुपये में आप फ्राइडे वाला दिन किसी भी मूवी को आप देख सकोगे, चाहे वो चुप हो या धोखा हो या प्रेम की 3 हो या रिटर्न में ब्रह्मास्त्र हो, आप उस दिन 75 रुपये में ही मूवी को देख सकोगे। सिर्फ फ्राइडे वाला दिन, सिर्फ 23 सितंबर को ये जो प्राइस रखा ना, ओनली ऑन 23 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, और उस दिन पब्लिक जुट पड़ेगी थिएटर में देखने के लिए मात्र 75 रुपये में, 150 में दो मूवी। ओहो मज़ा आएगा दोस्तों, मज़ा आएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है, चुप, प्रेम की 3 और धोखा, तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय, आप कौन सा फर्स्ट मूवी देखने वाले हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन सा देखने वाले हो, प्रेम गीत, चुप या धोखा, या फिर रिटर्न में देखोगे ब्रह्मास्त्र, आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ, एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, तो फिलहाल आप लोग एडवांस बुकिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि उस दिन टिकट का होएगा मारा मारी। तो बस भाई, इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।